हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपके लिए फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमेट लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये बनाने में बिल्कुल ईजी है और ये मैंने दो कलर से ही बनाया है इसको। ये देखिए, और 26 फंदों से मैंने इसको बनाया है। आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से फंदे डाल के इसको बना सकते हैं। और मैं आपको ये 26 फंदों में बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये दो पत्तियाँ बना ली हैं और तीसरी पत्ती मैं आपको बना करके बताऊँगी। बनाना हमने सेम तरीके से ही है जिस तरह से मैं नीचे बनाई हुई हूँ। सबसे पहले मैंने फंदे डाले हुए हैं अपना ब्लैक से, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फंदे अपना ब्लैक से कर लिए हैं। तो ये हम शुरू से ही आपको बताएंगे किस तरह से हमने बनाना है। ये देखिए, काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में तो बिल्कुल ही ईजी है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और इसे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप डोरमेट की जगह या पूजा आसन की तरह या थालपोश की जगह किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी सुंदर लगता है और बनाने में बिल्कुल ईजी है। और इसे आप पुरानी साड़ी और चुन्नी में भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो कलर की वूल में बनाया है, येलो और ब्लैक में। आप कोई भी अपनी पसंद की वूल लेके इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको शुरू से ही बताएंगे जिस तरह से मैंने फंदे डाले हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने ब्लैक से ही फंदे ले लिए हैं अपने सारे, और यहाँ पे सभी फंदे ब्लैक से हैं। हम इसका डिजाइन शुरू से जब डिजाइन डालेंगे तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। फंदे मैंने उसी तरह से डाले हुए हैं जिस तरह से सिंपल फंदे मैं हमेशा डालती हूँ, उसी तरह से। तो चलिए हम इसको बनाना आपको बताते हैं किस तरह से हमने ये बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्यारा सा हमारा टेबल मैट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फंदे ले लिए हैं और यहाँ पे ये देखिए, मैं एक बात और आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये बीच में भी आउटलाइन ली हुई है, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर के दो गोले लिए हुए हैं और अपना खाली एक सिंगल गोला लिया हुआ है येल्लो कलर का। तो आप इसी तरह से जिससे भी आप आउटलाइन बना रहे हैं तो उसके आप दो गोले ले लें ताकि आपको बनाने में बिल्कुल आसानी हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 26 फंदे अपना ले लिए हैं। तो देखिए, मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ, 26 फंदे लेने के बाद हम अपना यहाँ पे येलो कलर को ऐड करेंगे। फंदे डालने के बाद देखिए, मैंने इस तरह से इसको बनाया है जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ। तो दो फंदा ब्लैक से बना लिए और यहाँ पे धागे को इस तरह करेंगे और यहाँ पे हम एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ, आठ फंदा मैंने अपना येलो कलर से बना लिया है। यहाँ पे देखिए, धागा थोड़ा मोटा है तो हम इसे थालपोश की जगह भी यूज कर सकते हैं, सिंगल धागे से बना रहे हैं इसको। और ये देखिए, यहाँ पे हम आठ फंदा अपना, तो यानी कि टोटल यहाँ पे 10 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब ये देखिए, दो फंदा मैं अपना फिर से ब्लैक से बना लूँगी। ये देखिए, शुरुआत से मैंने इसी सेम तरीके से बनाया है। आठ फंदे येलो के बनाने के बाद मैंने दो फंदा अपना ब्लैक का ले लिया है। आगे के हम ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये बारह, बारह फंदे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। और लास्ट के ब्लैक कलर के दो फंदे मैंने अपना छोड़ दिए हैं। छोड़ने के बाद हम सिलाई को पलट लेंगे और हम आगे हैं अब सीधी सिलाई में। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इसको बनाना आसान है। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, रंग बिरंगे कलर लगा करके भी, और आप टू कलर से भी बना सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं। जो भी आपके पास गोले थोड़े थोड़े बच जाते हैं उनसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो धागा पीछे कर लिया है और हम ब्लैक को आगे लाएंगे। तो फंदा ब्लैक से बनाया, पीछे धागा किया और यहाँ पे आठ फंदा येलो का। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा रहेगा उसी कलर से हम इनको बनाएंगे। तो फंदे डालने के बाद मैंने एक सिलाई यहाँ पे ये बना ली है इस तरह से।
अब यहाँ से हमारा इसमें डिजाइन शुरू हो जाएगा। सिलाई को पलट लेते हैं, सीधी सिलाई में बना लिए हैं। अब ये देखिए, यहाँ से हम ना डिजाइन शुरू करेंगे। तो देखिए, डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे हम सिलाई के ऊपर से ब्लैक कलर से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, एक, और जो फंदा हम बढ़ा चुके हैं वो दो ब्लैक के हो चुके हैं, और यहाँ पे हम ब्लैक वाला एक येलो से बना लेंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे हम बनाते हुए, तो एक फंदा हम बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ पे दो, चार, पाँच, पाँच, छः, छः सात, और ये आठ, आठ फंदा ही हम बनाएंगे येलो का, और जो बढ़ चुका है उसको हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, और आगे का एक ब्लैक ले लेंगे, और यहाँ पे जो ब्लैक बचा है उसको हम येलो से कर देंगे इस तरह से। तो लास्ट के हम अपना दो फंदा येलो कलर का छोड़ देंगे इस बार दूसरी सिलाई में। तो दो फंदा मैंने छोड़ दिया है सीधी सिलाई को, यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं और सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से इनको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो सीधी सिलाई बना ली है, आगे हैं उल्टी सिलाई पे। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं दूसरा फंदा अपना बढ़ाऊंगी। ये देखिए, दूसरा फंदा हम बढ़ा लिए हैं, आगे का फंदा ब्लैक वाला येलो से कर लेंगे। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो दो फंदे बढ़ चुके हैं, तीन, चार, पाँच, छः, छः सात, आठ, आठ फंदे बना ली हूँ। हर बार मुझे येलो कलर के आठ फंदे ही बनाने हैं, और येलो कलर का जो फंदा बढ़ चुका है वो हम ब्लैक कर लेंगे, और आगे का ब्लैक ले लेंगे, और यहाँ पे ब्लैक वाला येलो कर लेंगे इस तरह से। लास्ट का दो फंदा छोड़ेंगे। तो लास्ट का दो फंदा फिर से छोड़ दिया है, सिलाई को पलट लेंगे, सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से हम बना के कंप्लीट करते हैं। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा रहेगा उसी कलर से हम बनाएंगे। तो सीधी सिलाई भी हमने यहाँ पे बना ली है, फिर से हम उल्टी सिलाई पे हैं। तो दो फंदे हम बढ़ा चुके हैं, अब यहाँ पे मैं तीसरा फंदा अपना बढ़ाऊँगी। ये देखिए, तीसरा फंदा हम बढ़ा रहे हैं, दो ब्लैक बना लेते हैं और ब्लैक वाला येल्लो कर लेते हैं। तो यहाँ पे येल्लो कलर के आठ फंदा हम, चार, पाँच, छः, छः सात, और ये आठ, आगे का फंदा जो बढ़ चुका है उसको हम ब्लैक कर लेंगे। तो दो फंदा ब्लैक का हो गया और ब्लैक वाला येल्लो हो गया। लास्ट के हम दो फंदा अपना फिर से छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीन फंदे बढ़ाए हैं, दो दो करके छह फंदे छोड़ दिए हैं। ये देखिए, तीन फंदे बढ़ाए हैं, दो दो करके छह फंदा ये यहाँ पे छूट चुका है, और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से इनको बना के कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं फिर से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तीन फंदा अपना बढ़ा लिया है, और दो दो करके यहाँ पे मैंने दो, चार, छः, छः फंदा छोड़ दिया है। अभी मुझे यहाँ पे, अब ये देखिए, यहाँ पे हम तीन फंदा बढ़ा चुके हैं। अब तीन फंदे बढ़ाने के बाद हम तीन फंदा अपना घटाएंगे। ये देखिए, अब लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना पहला फंदा घटा रही हूँ, और आगे से एक ब्लैक कर लेती हूँ। पहले हम ऊपर की तरफ गए थे, अब हम इसी को रिपीट करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, तीन फंदों को घटाएंगे, और लास्ट के हम दो दो करके छह फंदा छोड़ देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे येलो अपना ब्लैक कर लिया है, और आगे के ये देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और ये देखिए आठवां फंदा। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से ऊपर गए थे उसी तरह से नीचे जा रहे हैं, और आगे का येलो वाला ब्लैक कर लेते हैं। अब लास्ट का हम ये देखिए फिर से अपना दो फंदा छोड़ देंगे। छह फंदे मैंने तीन फंदों को बढ़ाते हुए दो दो करके छह फंदे छोड़े हैं,
अब तीन फंदों को घटाते हुए मैं छह फंदा अपना छोड़ूंगी। तो देखिए लास्ट के फिर से दो फंदे छोड़ दिए, यहीं से अपना टर्न कर लेंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा रहेगा उसी कलर से हम इनको बनाएंगे। सीधी सिलाई बन चुकी है। अब ये देखिए हम पहला फंदा घटा चुके हैं, अब दूसरा फंदा हम घटा रहे हैं। दूसरा फंदा हमने घटा दिया है और आगे का एक ब्लैक कर लेते हैं, येलो वाला। और यहाँ पे आठ फंदा हम, तीन, चार, पाँच, छः, सात और एक ब्लैक वाला, आठ। अब ये देखिए यहाँ पे दो फंदा हम ब्लैक से बनाएंगे। अब यहाँ पे आगे वाला ब्लैक कर लेते हैं। अब ये देखिए लास्ट में हम दो फंदा अपना फिर से छोड़ेंगे। ये देखिए तो दो फंदे घटा चुके हैं, दो दो करके चार फंदे छोड़ चुके हैं। अभी तीसरा फंदा घटाना बाकी है। तो सीधी सिलाई को तो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, जो फंदा जैसा है इसमें हमने कुछ नहीं करना है। शुरुआत मैंने इसी तरह से की है इसकी। तो सीधी सिलाई हमने ये देखी इस तरह से धागों को क्रॉस करते हुए यहाँ पे हमने बना ली है। तो अब यहाँ पे मैं अपना तीसरा फंदा घटाऊंगी। ये देखिए जो तीन फंदे मैंने बढ़ाए थे वो मैंने घटा लिए हैं, तीसरा फंदा भी घट चुका है। अब ये देखिए यहाँ पे हम दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। अब यहाँ पे हम एक ब्लैक कर लेते हैं और देखिए आगे का एक ब्लैक बना लेते हैं। लास्ट के दो फंदा फिर से छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए दो, चार, छ, आठ, दस, बारह, बारह फंदे छूट चुके हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। तो सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे रहेंगे उसी कलर से हम इनको बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो दो करके बारह फंदे, छः फंदे मैंने तीन फंदे बढ़ाते हुए छोड़े थे और छः फंदे मैंने तीन फंदों को घटाते हुए छोड़ दिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बारह फंदा छूट चुका है और यहाँ पे हमारा एक डिजाइन पूरा हो चुका है। और दोबारा से हम डिजाइन को फिर से यही रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे हम तीन फंदा अपना ये देखिए बढ़ाएंगे फिर से, जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखिए पहली पत्ती को बनाया है, फिर से मैंने यही पत्ती को दोबारा रिपीट किया है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ा लिया है और यहाँ पे ये देखिए आठ फंदा हम बुन लेते हैं, दो, चार, पाँच, छः, सात और ये देखिए आठ। आगे का फंदा हम ये ब्लैक कर लेंगे। ये देखिए मैंने ब्लैक कर लिया है और आगे का एक फंदा मैं ब्लैक बना लूँगी और ये ब्लैक जो है इसको मैं अपना येलो कर लूँगी। और जिस तरह से फंदे छोड़े हैं उसी तरह से हम दो दो फंदे हर बार लेते हुए जाएंगे। अब तीन फंदा, छः फंदा मैं अपना दो दो करके बढ़ाते हुए ले लूँगी और छः फंदा फिर आगे का तीन फंदों को घटाते हुए ले लूँगी इस तरह से। तो दो फंदे आगे से ले लिए हैं, सीधी सिलाई जो जैसा फंदा है उसी कलर से हम इनको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए तो सीधी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं और आपको फिर से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं दूसरा फंदा बढ़ा रही हूँ अपना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ फंदा मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हम एक फंदा अपना ब्लैक कर देंगे। अब ब्लैक वाला हम येलो कर देते हैं और ये देखिए यहाँ पे हम चार फंदा अपना बना चुके हैं। अब फिर से हम दो फंदा अपना छोड़ा हुआ ले लेंगे
और ये देखिए जहाँ पे आपको लगे गैप दिख रहा है तो गैप के लिए आप दो फंदा उठा लें एक साथ, चाहे एक फंदा उठाएं और उनको दूसरे फंदे के साथ बना दें इस तरह से। तो यहीं से फिर से टर्न हो जाएंगे। अब जिस तरह से हमने, अब यहाँ पे हम तीसरा फंदा अपना बढ़ाएंगे और दो फंदा अपना ले लेंगे, तो यहाँ पे फिर मेरे छह फंदे रह जाएंगे। छह फंदों को मैं तीन फंदों को घटाते हुए बनाऊंगी। तो चलिए सीधी सिलाई को बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना तीसरा फंदा अपना बढ़ा लेंगे। तीसरा फंदा यहाँ पे बढ़ चुका है और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, सॉरी आठ फंदा मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हम येलो वाला फंदा अपना फिर से हम दोबारा नीचे की तरफ जा कर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो दो ब्लैक कर लिए हैं और लास्ट का हम दो फंदा अपना फिर से ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं छह फंदा अपना तीन फंदों को बढ़ाते हुए ले ली हूँ। ये देखिए दो फंदे मैंने उठाए हैं और तीसरा फंदा ये ले लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए बाकी के छह फंदे अब बचे हैं हमारे। तो तीन फंदा बढ़ चुका है, अब तीन फंदों को घटाते हुए ये लास्ट के दो दो करके छह फंदे को बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना तीन फंदा फिर से बढ़ा लिया है और छह फंदा मैंने जो छोड़ा था वो मैंने बना लिया है। अभी छह फंदे बाकी हैं छूटे हुए, तो तीन फंदों को घटाते हुए ये मैं छह फंदा भी अपना बना लूँगी। तो देखिए अब यहाँ से हम घटाना शुरू कर रहे हैं। पहला फंदा घटा दिया है, आगे के आठ फंदे येलो बना लेते हैं। तो चलिए इसको हम तीन फंदों को घटाते हुए अपना दो चार छः आठ, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ बनाते हुए गए थे, अब हम तीन फंदों को घटाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे और लास्ट के वो दो दो करके जो छह फंदा छोटा हुआ है वो हम बना लेंगे। तो देखिए कैपिंग को इस तरह से हम बंद कर देंगे। जहां पे भी आपको लगे कि होल दिख रहा है तो वहीं पे आप फंदा उठा के उसको बना लें। तो दो फंदे और रहे हैं और दो फंदा यहाँ पे घटाना बाकी है। देखिए इस तरह से आगे पीछे ये डिजाइन हमारा यहाँ पे आउटलाइन बन रही है ये। तो चलिए मैं बनाती हूँ इसको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पत्ती बनके कंप्लीट है, ये देखिए। अब यहाँ पे मैंने तीन फंदा अपना घटा दिया है और लास्ट के दो दो करके छह फंदे बना लिए हैं, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने तीन फंदा बढ़ाया है, यहाँ पे मैंने तीन फंदा घटाया है, फिर मैंने तीन फंदा बढ़ाया है और तीन फंदा घटाया है। अब ये देखिए यहाँ से फिर से हमारा पूरी सिलाई को हम ब्लैक कर लेंगे। वापस हम फिर से अपना इसमें तीसरी पत्ती को बनाएंगे, सॉरी चौथी पत्ती को हम बनाएंगे। तीन पत्तियाँ यहाँ पे ये देखिए अच्छे से ये हो चुकी हैं। ये देखिए आउटलाइन आप कोई भी कलर की यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं पूरी सिलाई को अपना ब्लैक से ही बना लेती हूँ। तो पूरा डोरमैट यहाँ पे मैं इसी तरह से इसको कंप्लीट करूँगी। सेम तरीका बनाने का है, जिस तरह से ये पत्ती मैंने शुरुआत से बनाई है उसी तरह से हर बार हमने डिजाइन को बनाना है। गैपिंग को आप इस तरह से बंद करेंगे, फंदा उठाने के बाद
दूसरे फंदे के साथ उसको इस तरह से बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन पत्तियाँ हो चुकी हैं, चौथी पत्ती को हम बनाएंगे, ये देखिए, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और बनाने में ये देखिए बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे इस तरह से हमने ये आउटलाइन बनाई हुई है, आप कोई भी कलर की लगा सकते हैं, यहाँ पे और कलर लगा सकते हैं और यहाँ पे और। तो देखिए हम इसको इसी तरह से पूरा करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको ये बताई है सेम उसी तरीके से पूरा डोरमेट यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसी तरह से इसको बनाते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आठ फंदा येल्लो का बना लेते हैं, दो फंदा बीच में यहाँ पे ये आउटलाइन के लिए ब्लैक बनाएंगे, 12 फंदे लास्ट के बनाएंगे, फिर से तीन फंदे बढ़ाएंगे, जैसे ये बनाई है उसी तरह से यहाँ पे 12 फंदे, 6 फंदा फंदे को बढ़ाते हुए छोड़े थे, 6 फंदा हमने तीन फंदों को घटाते हुए यहाँ पे छोड़े हुए हैं, उसी तरीके से फिर अपना लेते हुए बनाए हैं आगे की पत्ती। टोटल 12 फंदा छोड़ लिया है, उसी तरह से फिर से तीन फंदे बढ़ाए हैं, तीन फंदा ले लिया है लास्ट का, यानी कि दो दो करके 6 फंदा। तो चलिए मैं इसको इसी तरह से पूरा करती हूँ और इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ।